स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप पे आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर लुक लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। फिर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक सिक्योरिटी, तो हम उस पर क्लिक कर दे रहे हैं। क्लिक करने के बाद हमें नीचे आ जाना है, तो नीचे आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक। तो गाइस हम अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं यानी कि फिंगर लॉक लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डाल देना जो आपने पहले से डाल रखा है, इसे ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करने के बाद आप स्टार्ट इनपुटिंग पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पर आपको फिंगर आ जाता है, तो आपको यहाँ पर अपना फिंगर लगाना है गाइस। तो आपको अपना कई बार लगाना है और कई बार रिमूव करना है। जब तक कि लगाना है, जब तक रिमूव करना है, जब तक हमारा फिंगर पूरा नहीं लगता, जब तक हमें ऐसे लगाना है, रिमूव करना है, लगाना है, रिमूव कर देना है। तो गाइस जब हमारा पूरा फिंगर लग चुका है देखिए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन, तो हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फिंगर वन, तो यहाँ से अगर आपको अपना फिंगर नहीं यूज़ करना है, डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और रेडी फिंगर प्रिंट, जैसे कि गाइस आपके फ़ोन में अपना फिंगर लगा हुआ और आप चाहते हैं किसी व्यक्ति का, आपके घर में आप जो भी है आप उसका भी फिंगर लगाना चाहते हैं किसी, तो आप यहाँ से दूसरे का फिंगर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगर लॉक लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।